भैंस और गाय पालन काफी खर्चीला होता है। ऐसे में यदि इन पशुओं की ठीक देखभाल नहीं की जाए तो अधिक दूध उत्पादन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बकरी पालन एक अच्छे मुनाफे का सौदा हो सकता है। लेकिन बकरी पालन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बकरियों को चराना बेहद जरूरी होता है। वहीं आज के समय में बकरियों को चराने के कम ही जगह बची है। यदि आप भी बकरी पालन करने की सोच रहे हो और बकरी को चराने के झंझट से बचना चाहते हो तो बकरी की बर्बरी नस्ल का पालन करना चाहिए। बकरी की इस नस्ल को भैंस तथा गाय की तरह एक जगह बांधकर ही पाला जा सकता है। तो आइए जानते हैं बर्बरी नस्ल की बकरी के बारे में। बकरी पालन अक्सर आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए वरदान माना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नस्ल की बकरियाँ पाली जाती है, लेकिन बर्बरी बकरी ऐसी नस्ल है जिसे भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाला जा सकता है। बर्बरी बकरी को ज्यादातर दूध और मांस के लिए पाला जाता है। बर्बरी बकरी के नाम का इतिहास सोमालिया के हिंद महासागर के एक शहर बर्बेरा के नाम पर है। भारत और पाकिस्तान में लगभग हर क्षेत्र में यह बकरी पाई जाती है। इस नस्ल की बकरी को बर्बरी और बकरे को बर्बरा कहते हैं। बर्बरी बकरी आकार में बहुत बड़ी नहीं होती, हालांकि इनकी प्रजनन क्षमता काफी अच्छी होती है। यह 14 से 16 महीने में दो बार बच्चे दे सकती है। एक बार में 2 से 3 बच्चे बर्बरी बकरी पैदा कर सकती है। बच्चों का वजन 2 से 3 किलो तक हो सकता है। बर्बरी बकरी 1.5 से 2 लीटर तक दूध दे सकती है। साथ ही इसका सबसे अधिक बिजनेस मांस के लिए होता है। बर्बरी नस्ल का बकरा मीट और प्रजनन के काम में लिया जाता है। भारत में इस नस्ल की बकरी का पालन लोकप्रिय हो रहा है। बर्बरी बकरी की पहचान काफी आसान है। इसका सिर छोटा और साफ होता है, साथ ही छोटे कान होते हैं। सींग छोटे और हल्के घुमावदार होते हैं। बर्बरी बकरी के शरीर पर भूरे या सफेद रंग के धब्बे होते हैं। साथ ही बर्बरी बकरे के सींग काफी बड़े, नुकीले और दिखने में सुंदर होते हैं। इस नस्ल का बकरा 40 से 45 किलो तक का हो जाता है और बकरी 30 से 35 किलो तक होती है। बर्बरी बकरी की खास बात यह होती है कि यह खुद को किसी भी जलवायु में आसानी से ढाल लेती है। बर्बरी बकरी को पालना बहुत कठिन काम नहीं है। इस बकरी को पालने के लिए नमी वाली जगह का चयन करना होता है। कोशिश करें कि इनके चरने के लिए खुला मैदान हो, ताकि चरने के लिए हरा चारा मिल सके। इनके बांधने की जगह साफ सुथरी जरूर होनी चाहिए, ताकि पालने का खर्चा कम से कम हो सके। बर्बरी नस्ल की बकरियां आमतौर पर कुछ भी खा लेती हैं, लेकिन झाड़ियां, पेड़ के पत्ते, दाना, ग्वार का भूसा और मूंगफली का चारा आसानी से खाती हैं। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।